जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आप दोस्तों की फेवरेट गाड़ी टोयोटा यारिस। और ये यारिस जो है वो आपको हैचबैक कैटेगरी के अंदर गाड़ी मिल जाती है, सेडान कैटेगरी के अंदर गाड़ी नहीं है। फ्रेश इंपोर्ट गाड़ी है, जी पैकेज है। और इस गाड़ी की प्रॉपर डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, क्या इस गाड़ी की प्राइस है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है और अप्लाइड फॉर है। इस गाड़ी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि टोयोटा यारिस जो कि हैचबैक गाड़ी है जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं हुई, टोयोटा कंपनी इसको बहुत जल्द इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करवाई है। देन उसके बाद अब ये गाड़ी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, टोटली फ्रेश इंपोर्ट है, 2022 की इंपोर्ट है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की एक्सटीरियर की कंडीशन के हवाले से। गाड़ी की कंडीशन टोटली जेन्युइन है, ऐसा समझें कि चंद दिन पहले ही गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आई है और अब आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है। गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। गाड़ी के अंदर आपको जो है वो बैक पे जो लाइट्स दी जाती हैं वो दूसरी लाइट से काफ़ी डिफरेंट इसका जो लुक है, और उसके अलावा गाड़ी का जो एक प्रीमियम लुक है वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, गाड़ी की सस्पेंशन आउट क्लास है। उस गाड़ी की जो टायर्स हैं वो आपको जो टोयोटा XLi या GLi के टायर्स है उससे भी जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी की जो मतलब ज़मीन के साथ ग्रिप है, रोड के साथ ग्रिप है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसकी शेप आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी से ये कम्पीट नहीं कर रही, क्योंकि ये जापानीज़ इम्पोर्ट शुदा गाड़ी है और आप बेहतर जानते हैं कि जापानी गाड़ियाँ किन कंडीशंस के अंदर होती हैं। इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे ऑटो हेडलाइट्स दी जाती हैं विद इंडिकेटर्स के साथ। उसके अलावा गाड़ी में आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर्स मिल जाती हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी रिसेंटली ही इम्पोर्ट की गई है। गाड़ी के साइड मिरर्स पर आपको टर्न सिग्नल के ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके अलावा 5 सीटर है, 5 लोग इस गाड़ी के अंदर ईजिली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल की, गाड़ी में आपको AM/FM CD प्लेयर का ऑप्शन दिया जाता है। म्यूजिक सिस्टम बहुत ही आउट क्लास दिया जाता है। एयर कंडीशनर हीटर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। गाड़ी में आपको मल्टीमीडिया स्टेयरिंग मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के डैशबोर्ड की जो फिनिशिंग है, डैशबोर्ड का जो एक प्रीमियम लुक है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को इस गाड़ी को परचेज करने में। उसके अलावा गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको फॉग लाइट्स इंस्टॉल नहीं मिलती, लेकिन इस पर पॉइंट दिए गए हैं, आप आफ्टर मार्केट इस गाड़ी पर जो फॉग लाइट्स हैं वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 35,50,000 इस गाड़ी की अभी प्राइस है, और 2020 का मॉडल है, 22 की फ्रेश गाड़ी इंपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ABS ब्रेक्स विद एयर बैग्स के साथ ये गाड़ी इस वक्त फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अभी जाएं और इस गाड़ी को परचेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।